तो दोस्तों आज हम आपको दिखाने ले जा रहे हैं कटरा की लोकल मार्केट, जो आपको जरूर पसंद आएगी। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद जब आप अपने होटल में आ जाते हो तो आपको जब भी टाइम मिले आप इस मार्केट में एक या दो घंटे के लिए घूमने जरूर जा सकते हैं। ये यहाँ की लोकल मार्केट है और इसका एक्सपीरियंस आपको जरूर लेना चाहिए। जरूरी नहीं कि वहाँ जाकर आप कुछ खरीदारी ही करें। लोग शिमला, नैनीताल, मनाली के मॉल रोड भी घूमने जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग वहाँ जाकर खरीदारी ही करते हैं। ऐसे ही अगर कुछ नहीं भी खरीदना है तो भी केवल लोकल मार्केट घूमने जरूर आएं। मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा एक से डेढ़ घंटे का टाइम लगेगा आपको घूमने में। रात में ये मार्केट और भी ज़्यादा सुंदर लगती है। रात में यहाँ घूमते वक्त गर्म दूध और रसगुल्ले खाने का मज़ा कुछ और ही है। ये मार्केट आपको बस स्टैंड चौक से राइट हैंड साइड की तरफ पड़ जाएगी। यहाँ पर आपको प्रसाद, अखरोट, चूड़ियाँ, कपड़े, खिलौने और बहुत सी चीज़ें खरीदने के लिए भी मिल जाएंगी। शाम की हमारी ट्रेन है घर जाने की और मैं आया हूँ अपनी मिसेस के साथ कटरा की लोकल मार्केट एंजॉय करने। अगर आपके पास भी कुछ टाइम बचता है तो लोकल मार्केट एंजॉय जरूर करें। इस जगह से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। जब कभी भी मैं वैष्णो देवी आता हूँ इस मार्केट में जरूर आता हूँ। यहाँ पर घूमते वक्त भावना को जूती पसंद आ गई तो हमने जूती खरीद ली। फिर उसके बाद हम कंगन देखने के लिए चले गए। वहाँ पर भावना को कंगन भी पसंद आ गए तो हमने वो भी ले लिए। उसके बाद जब भी लोग वैष्णो देवी के दर्शन करके घर जाते हैं तो हम वहाँ पर कन्या लांगुरिया को भोजन खिलाते हैं, तो उनके लिए प्रसाद के रूप में हमने प्रसाद की कुछ कटोरियाँ भी खरीद ली। इस मार्केट में आपको हमेशा ऐसे सरदार जी जरूर देखने के लिए मिलेंगे जो चूड़ियाँ बेचते हैं। मैं 10 साल पहले जब आया था, मुझे आज भी याद है, इनके पास से मैं चूड़ियाँ ले गया था जो कि घर जाके पता चला कि वो चूड़ियाँ लोहे की थी। लोग ज़्यादातर जो वैष्णो देवी जो आते हैं वो माता के दर्शन करके घर चले जाते हैं, तो अगर उसमें केवल आप 2 दिन और ऐड कर दोगे, 2 दिन भी नहीं, अगले दिन का जो शाम है वो उसमें केवल आपको ट्रेन शाम की करनी है और एक दिन आप शिवखोड़ी जा सकते हो और एक दिन आप बाज़ार का लुत्फ ले सकते हो और लोकल जो कटरा है उसको इन्जॉय कर सकते हो बाज़ार में जाके। क्योंकि केवल भागदौड़ी में आना और भागदौड़ी में जाना मतलब ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है, तो आपको अगर कोई पूछे कि आपने बाज़ार देखा है वहाँ का, तो आपको पता होना चाहिए कि हमने बाज़ार देखा है। अगर वो पूछे आप शिवखोड़ी गए हो तो आपको पता होना चाहिए कि हम शिवखोड़ी भी गए थे। इसलिए आप बाज़ार को जरूर एक्सपीरियंस करो और कभी भी आओ ना तो पूरा उसको लोकली इन्जॉय करना चाहिए और रेस्ट के साथ, ये नहीं कि भागा दौड़ केवल आपका एक दिन पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे आज भी याद है जब मैं 10-12 साल पहले यहाँ आया था तो मैंने जो चौक है वहाँ पर हमने गर्म दूध पिया था और फिर हम 3 दिन यहाँ रुके थे, 3 दिन हमने लगातार जाके वहाँ गर्म दूध पिया उसी एक दुकान पर। तो घूमते हुए हम आ गए कटरा के चौक पर और यही वो दुकान है जो मैं आपको बता रहा था जहाँ पर हम आके दूध पिया करते थे। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हो यहाँ पर अभी टीन सेट डाल के बहुत ज़्यादा कंजस्टेड सा पता नहीं बना दिया है, शायद कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन पहले ये चौक बहुत ज़्यादा सुंदर हुआ करता था और नाइट में यहाँ पर लुक देखने वाला होता है। तो सबसे लास्ट चीज़ जो कि है प्रसाद हमने घर में बांटने के लिए यहाँ से खरीद लिया है और अखरोट भी हमें यहाँ से अच्छे मिल गए हैं। जरूरी नहीं कि आप अखरोट इसी मार्केट से खरीदें, अखरोट के लिए यहाँ पर अलग अलग मार्केट्स जहाँ पर अलग अलग जाकर भी आप अखरोट को ट्राई कर सकते हो। हमारी शाम की ट्रेन है तो हमें बैग पैक करके निकलना है घर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर जरूर लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहता हूँ। तब तक के लिए जय माता दी।